हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। इसमें आपके बेल्ट्रॉन में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और डेली के वीडियो में आपको दो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। डेली के वीडियो में आपको दो प्रैक्टिस सेट मिलेगा यानी कि एक वीडियो में आपको दो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज पर डिमांड बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था, क्योंकि जो 27 तारीख का एग्ज़ाम और 30 तारीख के एग्ज़ाम्स में ये पता चला है कि जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हो रहा है, तो हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए प्रैक्टिस सेट और हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए पूरा 500 पेज का PDF प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो यदि आप चाहिए तो आपको 500 पेज का PDF और 30 प्रैक्टिस सेट हिंदी लैंग्वेज में मात्र ₹35 मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इसके साथ 10 PDF फ्री मिलेगी जो कि इंग्लिश की है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो है, प्रैक्टिस सेट है। जो एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बेल्ट्रॉन के, वो क्वेश्चन होंगे हिंदी भाषा में होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हिंदी भाषा में होगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस प्रकार के मेमोरी को सामान्यतः टेम्पोररी या अस्थाई स्टोरेज कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पोररी या अस्थाई स्टोरेज कहते हैं, तो वो कहते हैं हम रैम को। किसको कहते हैं? रैम को हम टेम्पोररी या अस्थाई मेमोरी कहते हैं। रैम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एसेस मेमोरी। कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। रोम का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड वनली मेमोरी, ठीक है। CPU का एब्रीवेशन बता देता हूँ। CPU का एब्रीवेशन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है एब्रीवेशन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ALU। ALU का एब्रीवेशन होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। और बेल्ट्रॉन के लेवल के हिसाब से एक और एब्रीवेशन बताता हूँ, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कुछ और एब्रीवेशन बता देते हैं आपको, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और बता देते हैं, GIGO स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। WORM वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कुछ और एब्रीवेशन बता देते हैं, PROM प्रोग्रामेबल रैंडम मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, ठीक है। EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? तो वो होता है डेस्कटॉप, DESK डेस्कटॉप, ठीक है। जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, लैपटॉप को ओपन करते हैं, PC को ओपन करते हैं, तो जो सबसे पहला स्क्रीन दिखता है उसको भी डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर के साथ एक कनेक्टर किया जाता है। डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर के साथ एक कनेक्टर किया जाता है, उसको कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क, अब नेटवर्क आया है तो आपको इंटरनेट तो पता ही होना चाहिए। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब इंटरनेट की बात आई तो मॉडम बता देते हैं। मॉडम का एब्रीवेशन होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING, उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक है। 6 पे आते हैं। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर फिर जो बटन है, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तन करने वाला डिवाइस क्या है? तो वो होता है मॉडम। अभी मैंने आपको मॉडम का फुल फॉर्म बताया। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर।
क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तन करने वाला डिवाइस कौन सा है? मॉडम, MODEM। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रिपेयर कर सकें, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपको, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप के लिए स्टैक गुरुजी, जहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 PDF हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। बिना केवल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्टर करने वाले डिवाइस को कहते हैं, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्टर करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं वायरलेस। क्या कहा जाता है? वायरलेस, उसको वायरलेस कहा जाता है, ठीक है, वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे स्प्रेडशीट में सेल को नियमानुसार परिभाषित किया जाता है, यानी कि स्प्रेडशीट में जो सेल होती है उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा रो कॉलम का इंटरसेक्शन। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, रो COLUMN, रो कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको स्प्रेडशीट में सेल के नियमानुसार परिभाषित किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। कंप्यूटर संक्षेप में KB का पूरा रूप सामान्यतः निम्न अनुसार है। KB को क्या कहा जाता है? KB को किलोबाइट कहा जाता है, GB को गैगाबाइट, TB को टेराबाइट, MB को मेगाबाइट, ठीक है। ये सब बेसिक एब्रीवेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अब एब्रीवेशन की बात आई तो कुछ टर्म्स बता दूं, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हो रहा है उसमें 2 एब्रीवेशन, 4 आपका शॉर्टकट की, ठीक है, और 2 फाइल एक्सटेंशन या 1 फाइल एक्सटेंशन श्योर आ रहे हैं। तो ये 4, 2, 6, 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन इससे आ रहे हैं और इन 8 का PDF आपको फ्री में दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को डैश में परिवर्तन करता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को डैश में परिवर्तन करता है, तो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, यानी कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क में डाटा नामक रिंग पर रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसे ट्रैक्स कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रैक्स कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ जा सकता है, तो कंप्यूटर का वो भाग जिसे छुआ जा सकता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, और हार्डवेयर का एग्जांपल क्या क्या होते हैं देखिए, जैसे जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर को आप छू सकते हैं, मॉनिटर हार्डवेयर है। कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है। माउस को आप छू सकते हैं, माउस आपका हार्डवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? जो फ्लॉपी डिस्क है उसका उपयोग किस लिए होता है? तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होता है सूचना को स्टोर करने के लिए, यानी कि फ्लॉपी डिस्क क्या है? आपका स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। CPU का पूरा रूप क्या है? तो CPU का पूरा रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का पूरा रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कमेंट बॉक्स में लिख के आपको ALU का पूरा रूप बताना है। सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेट आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर के भाग नंबर 2 पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। ये जो है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में होगी ये पार्ट, ठीक है। हिंदी भाषा के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ये चलाया जा रहा है, जिससे उन्हें बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में हेल्प मिल सके। तो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रयोक्ता जो प्राप्त करना चाहता है
उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। प्रयोक्ता जो प्राप्त करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट किए करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो देखिए जो आपका कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, जो आपका माउस होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर, गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइस। तो हम इंस्ट्रक्शन किससे देते हैं? इंस्ट्रक्शन हम माउस के हेल्प से देते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के हेल्प से देते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। और इसमें जो ऑप्शन बी है मॉनिटर, ये क्या होता है? ये होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर स्पेसिफिक और को आइडेंटिफाई करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको वेबसाइट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, वेबसाइट जैसे कि हमारी भी एक वेबसाइट है www.goamit.in। ठीक है, तो इसी प्रकार की वेबसाइट होती है, एक यूनिक एड्रेस होता है। इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है डॉट इन क्या? डॉट इन मानी यानी कि IN यानी कि इंडिया। ठीक है, फिर इसमें पूछ लेता है डॉट कॉम, कॉम यानी कि कॉमर्शियल, डॉट ORG, ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, डॉट GOV यानी कि गवर्नमेंटल, IN मैंने आपको बता दिया इंडिया। ठीक है, कॉम कॉमर्शियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डैश में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, डैश ऐसी कमांड होती है जिसे सेलेक्ट किया जाता है, तो जो मीनू कमांड होती है उन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। डैश एक ऐसी कमांड होती है जिसे सेलेक्ट किया जा सकता है, तो वो होती है मीनू कमांड। प्रश्न नंबर 5 पे आ गए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल एकत्रित की जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा जो फाइल एकत्रित की जाती है, फाइल एडिट लिखा है ये, ठीक है, एडिट EDIT। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा कौन सी फाइल एडिट की जाती है? तो वो होती है आपकी, तो उसे कहा जाता है एडजस्टिंग। क्या कहा जाता है? एडजस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तित करने को कहा जाता है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डाटाबेस फाइल। क्या कहा जाता है? डाटाबेस फाइल, इसको डाटाबेस फाइल कहा जाता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो डैश होता है, तो क्या होता है? देखिए, या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। आपका कंप्यूटर का जो एवरीथिंग कंपोनेंट है, या तो वो हार्डवेयर होगा, ठीक है, या फिर वो सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, हार्डवेयर मतलब वो चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, जो भी डिवाइस को आप छू सकते हैं वो सभी हार्डवेयर हैं। जैसे मॉनिटर को आप छू सकते हैं, मॉनिटर हार्डवेयर है। कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, कीबोर्ड हार्डवेयर है। माउस को आप छू सकते हैं, माउस हार्डवेयर है। सीपीयू बॉक्स को आप छू सकते हैं, तो सीपीयू बॉक्स हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा कि कौन से कंपोनेंट है, या तो हार्डवेयर होगा या फिर सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 8 पे जाते हैं। डैश ऐसा शब्द है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। डैश ऐसा शब्द है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है तो उसको कहते हैं, उसे रिजर्व्ड वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्व्ड वर्ड्स कहा जाता है। टेप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है। टेप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है तो इसको ऑफर करता है, तो इसको जो ऑफर करता है उसको सिक्वेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? SEQUENCTIAL, सिक्वेंशियल। ठीक है। रैम का पूरा रूप पूछा है, तो रैम का पूरा रूप क्या होता है? रैंडम एसएस मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा रूप होता है रैंडम एसएस मेमोरी। रोम का पूरा रूप होता है रीड वनली मेमोरी। ठीक है, HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद एब्रिवेशन बता दूं मैं, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। और एब्रिवेशन पूछ लेते हैं आपसे, EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और आपसे जो एब्रिवेशन इम्पॉर्टेंट है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? जो प्री डिफाइंड वाला करेक्टर का एक समूह क्या कहलाता है? ठीक है, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला करेक्टर का एक समूह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका डेटा बेस। क्या कहलाता है? डेटा बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? ठीक है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। GUI सॉफ्टवेयर, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे जा जाते हैं। इसमें कह रहा है .bss, .doc, .html किसके उदाहरण है? ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, .bss, .doc एंड .html ये सब क्या है? HT एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन फाइल। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। एक यूनिक नाम है जो आप सूचना के किसी फाइल को देते हैं। डैश एक यूनिक नाम है जो सूचना के किसी फाइल को देते हैं, उसको कहा जाता है फाइल नेम। उसको क्या कहते हैं? फाइल नेम। प्रश्न नंबर 15 में जा सकते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं। कंपाइलर क्या कहता है? हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट CODE, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। और यदि आप ये PDF बाई करना चाहते हैं तो ₹35 में आप ये 550 पेज की PDF बाई कर सकते हैं, जिसके साथ आपको 10 PDF फ्री मिलेगा इंग्लिश भाषा का, और ये PDF है हिंदी भाषा में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट सेट होगा, प्रैक्टिस सेट तीसरे पे हैं, शुद्ध हिंदी भाषा में होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस थर्ड स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालने के लिए उसे डैश करना आवश्यक है। ठीक है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालने के लिए उसे डैश करना आवश्यक है। तो क्या होता है, यदि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालना है तो उसे क्या किया जाता है, उसे अनइंस्टॉल किया जाता है। अगर किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से निकालना है तो उसे क्या किया जाता है, उसको अनइंस्टॉल किया जाता है। यदि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर डालना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर दो पे आ जाते हैं। डैश में बटन और मीनू होते हैं जो सामान्य कमांडों को एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। डैश में बटन और मीनू होते हैं जो सामान्य प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस उपलब्ध कराते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मीनू बार कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाने पर डैश कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर बंद हो जाने पे कौन से कंटेंट डिलीट हो जाते हैं, मेमोरी के। ठीक है, कंप्यूटर बंद हो जाने पे मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। प्रश्न नंबर चार पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क फॉर्मेट करने के लिए करती है क्या कहलाती है। इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क फॉर्म करने के लिए कहती है क्या कहलाती है, उसको कहते हैं आपका, तो क्वेश्चन नंबर चार का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम कहा जाएगा। प्रश्न नंबर पाँच पे आ जाते हैं। नंबर पैड से डायरेक्शन एरो में काम लेने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर कीजिएगा आप, जो नंबर पैड से डायरेक्शन एरो में काम लेने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है, तो उसके लिए होता है नम लॉक। कौन सा लॉक होता है, नम लॉक। क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट। छठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ बाय करना है जिसमें कि आपके लगभग 550 पेज और 2000 प्लस हिंदी के एमसीक्यू हैं, वो आपको मात्र 35 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ आपको 5000 इंग्लिश के क्वेश्चन फ्री मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कुल 7000 क्वेश्चन का सेट आपको मात्र 35 रुपये में मिलेगा, 7000 क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8542878000। ठीक है, प्रश्न नंबर छः। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट जिसे 8 डैश मिलकर 1 बाइट बनता है। तो देखिए 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। ठीक है, 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। ठीक है, 8 बिट को मिलाकर क्या बनता है, 1 बाइट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बता देते हैं, 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 GB बनाते हैं, यानी कि गीगाबाइट। ठीक है, 1024 GB यानी कि गीगाबाइट मिलकर 1 TB बनाते हैं, यानी कि 1 TB। प्रश्न नंबर सात पे आ जाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक निम्नलिखित है। ठीक है, तो उसको कहते हैं राइट क्लिकिंग, उसको क्या कहा जाता है, राइट क्लिकिंग, उसको राइट क्लिकिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आठ पे आ जाते हैं। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है
तो जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंटर। ठीक है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन उपलब्ध कराता है? तो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रिंटर उपलब्ध कराता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें, जो प्रिंटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस बता दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट जो आपका इनपुट डिवाइस होता है वो होता है माउस, कीबोर्ड, जॉय स्टिक, ठीक है, लाइट पेन, ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, नेटवर्क वो कहते हैं नेटवर्क सर्वर, उसको क्या कहा जाता है? नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर, वो नेटवर्क सर्वर होता है। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेश का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? यदि किसी फाइल को कहीं से हटा के दूसरी जगह ले जाना है तो उसको भैया जी कट पेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है? कट पेस्ट किया जाता है। अब कट पेस्ट का कुछ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस सी, ये किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, ये किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, ये किस लिए होता है? सेलेक्ट ऑल करने के लिए, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस किस लिए होता है? सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से क्या एक्सेल का बिट इन फंक्शन नहीं है? ठीक है, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो कौन सा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में भी, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए, इनमें से आपका जो टोटल होता है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। सम, एवरेज और मैक्स, ये सारे एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शन है। यानी कि सम भी होता है एक्सेल के बिल्ट इन में, एवरेज भी होता है, ठीक है, और आपका मैक्स भी होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। फॉर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जिसमें पहला क्या कह रहा है कि फॉर्म की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सरल फॉर्मेट दिखाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फॉर्म की सहायता से रिमांड्स दिखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं या कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ए तथा बी दोनों सही है, दोनों असत्य हैं। यानी कि तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रिपीट कर लेते हैं। फॉर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, DBMS, ठीक है, अब DBMS की बात कर लेते हैं। तो DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम पूछा है, ठीक है, तो इसका काम बोला है डाटाबेस बनाना। जी हाँ बिल्कुल, डाटाबेस बनाता है। डाटाबेस में बदलाव करना, बिल्कुल बदलाव करता है। डाटाबेस का रिकॉर्ड प्रोसेस्ड करना, बिल्कुल इसका काम है। एंड डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, बिल्कुल किया जा सकता है। डाटाबेस से रिकॉर्ड को कुछ रिकॉर्ड चुनना, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS, ये भी एब्रिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। प्रश्न नंबर 15। असत्य कथन को चयनित करें, असत्य कथन को चयनित करें। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि विशेष विषय में डाटा संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं, ये आपका कथन असत्य है। ठीक है,
फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्ले स्पेशल आपकी स्पेशल डिमांड पे हिंदी में प्रैक्टिस सेट लाए हैं, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हिंदी की प्रैक्टिस सेट किसी के पास नहीं है, हिंदी का किसी के पास अच्छा पीडीएफ नहीं है। तो आपको हम एक बेहतरीन हिंदी का पीडीएफ भी प्रोवाइड करने हैं, जिसके लिए आपको मात्र ₹35 पेमेंट करना है, ठीक है। और इस ₹35 में आपको 550 पेज का हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके साथ आपको 5000 प्लस क्वेश्चन की इंग्लिश की पीडीएफ फ्री मिलेगी। यानी कि आपको मात्र ₹35 में मिलेंगे कुल 7000 प्रश्न, ठीक है, 7000 क्वेश्चन। और जो लोग पहले से खरीद चुके हैं वो लोग हमें व्हाट्सअप कीजिए या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उन्हें पर्सनली 7500 क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 5000 इंग्लिश वाले रीसेंड कर दिए जाएंगे। तो आइए प्रश्न नंबर एक से शुरू करते हैं। HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए डैश सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब HTTP भी बता दूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउज़र है। क्या होता है? वेब ब्राउज़र। जो सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र होते हैं वो होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं। बाकी कुछ अन्य भी वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि गूगल का क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल का सफारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो पे आ जाते हैं। एमएस वर्ड की विंडो को दो या अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं। एमएस वर्ड की विंडो में दो या दो से अधिक भागों के बांटने की विधि में क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है स्प्लिट विंडो। उसको बांट दिया जाता है तो उसको कहा जाता है स्प्लिट विंडो, ठीक है। हब, हब क्या होता है? हब एक डैश डिवाइस है। हब एक डंप डिवाइस है। क्या है? डंप डिवाइस है, ठीक है। प्रश्न नंबर चार पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में फ्रंट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिर चार को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में फ़ॉन्ट साइज को, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस साइन। ये साइन यूज किया जाता है बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अगर पूछ देगा घटाने के लिए तो ये वाला साइन, बढ़ाने के लिए ये वाला साइन, ठीक है। प्रश्न नंबर पाँच पे आ जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को डैश कहा जाता है। तो जो सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को टेबल कहते हैं। क्या कहा जाता है? टेबल, ठीक है। प्रश्न नंबर छः पे जाते हैं। टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है? टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 27 नवंबर के एग्जाम में पूछा हुआ है, पहले शिफ्ट में। टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, यदि आप हमारा ये ₹35 वाला पीडीएफ ख़रीदते हैं 550 पेज का, तो इसमें आपको बेल्ट्रॉन के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे। केवल इस पीडीएफ को लेके आपको इस पीडीएफ को 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना है और एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। स्लाइड स्लो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। स्लाइड स्लो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो उसके लिए दबाया जाता है पेज अप की। किसको दबाया जाता है? पेज अप की को, ठीक है। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का आंसर है बी। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो में नीचे की और छुपी हुई सामग्री को देखने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग
विंडो में नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने के लिए किया जाता है, तो वो होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन है, तो 9वां प्रश्न का आंसर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, पहला नॉर्मलाइजेशन है रिलेशनल डाटाबेस की डिज़ाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूहों से स्माइल स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, जो रिलेशनल डाटाबेस की डिज़ाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूहों की स्माइल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, डाटाबेस में विभिन्न आइडेंटिटीज के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए डाटाबेस में डॉक्यूमेंटेशन करने वाली मेथडोलॉजी। जी नहीं, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है प्रश्न नंबर 9 का। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं, किसी व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम्स में लगा सकते हैं। किसी व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की SLIDES स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं, तो वो होता है आपका स्लाइड स्लॉटर व्यू। उसको क्या कहते हैं? स्लाइड स्लॉटर व्यू। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले बता दें ये क्वेश्चन आपका MS पावर पॉइंट का है। ठीक है, अब MS पावर पॉइंट का नाम आया तो मुझे आपको ये चीज़ तो बताना पड़ेगा कि MS पावर पॉइंट का यूज किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट का यूज होता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। 10वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में। किसी व्यू में आप प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगाया जा सकता है स्लाइड सॉर्टर व्यू से, स्लाइड सॉर्टर व्यू से। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं, स्लाइड स्लो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? यदि मुझे स्लाइड स्लो को समाप्त करना है, ये भी पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। जो स्लाइड शो होता है पावर पॉइंट में, उसको समाप्त करना है तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा? तो देखिए, पहला है एक्स कुंजी, ठीक है, ऋण बटन, कंट्रोल प्लस ब्रेक बटन, या ये सभी। तो ये सभी बटन दबा सकता हूँ मैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? यदि कर्सर वाला चिन्ह को हटाना है, कर्सर वाला चिन्ह को हटाना है तो कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो उसके लिए दबाई जाती है डिलीट। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड को कौन सी कुंजी दबाते हैं? डिलीट। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव या डेराइव की भौतिक त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ का एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं स्कैन डिस्क। उसको क्या कहते हैं? स्कैन डिस्क। ठीक है, उसे स्कैन डिस्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है कि ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं। ठीक है, प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब ड्रम प्रिंटर की बात कर रहे हैं, ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? तो जो आपका ड्रम प्रिंटर है वो लाइन का एग्जाम्पल है। किसका? ड्रम प्रिंटर लाइन प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 पे जाते हैं, ओ एस आई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। कितने होते हैं? OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ स्वागत है। इस क्लास में हम बेल्ट्रॉन में कंप्यूटर के GK का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे।
जो कि हिंदी भाषा में होगा, ठीक है, जो कि आपके हिंदी भाषा के होगा, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। और इस क्लास में क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इन्हीं में से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। आपके 27 तारीख का पेपर और 30 तारीख का पेपर दोनों सेट इसी पूरे पीडीएफ से आया था, कंप्लीट पीडीएफ से, ठीक है। तो आइए सेट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले प्रश्न के साथ। आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से विजिट करके चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? एमएस वर्ड में यदि आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, यदि आप एमएस वर्ड आपने यूज़ किया होगा तो एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको यूज करते हैं क्लिप आर्ट। क्या यूज करते हैं? क्लिप आर्ट। प्रश्न नंबर दो पे आ जाते हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए वीडियो व ऑडियो को चलाया जाता है। डैश ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए वीडियो और ऑडियो को चलाया जाता है, वो होता है MPEG। MPEG प्लेयर। क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है, फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है रिवल, REVEL, रिवल टैग, ठीक है, रिवल टैग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर चार, कंप्यूटर में बस का अभिप्राय है, ठीक है, जो कंप्यूटर में बस का क्या अभिप्राय होता है? तो बस का अभिप्राय होता है डाटा बस, ठीक है। कंप्यूटर में बस का क्या अभिप्राय होता है? बस का अभिप्राय होता है डाटा बस। प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है। डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग डॉस में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर छः पे आते हैं, विस्तारित का वायरस का विस्तारित रूप क्या होगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छः को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। वायरस का विस्तारित रूप क्या है? तो वायरस का विस्तारित हुआ वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। प्रश्न नंबर सात पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा कोबाल एवं फोरटन का सम्मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज कोबाल एवं फोरटन का सम्मिश्रण है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है PL/1, ठीक है। यदि हाई लेवल लैंग्वेज कोबाल और फारटेन का सम्मिश्रण पूछेगा तो ऑप्शन हो जाएगा PL/1, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आठ पे आ जाते हैं, सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है, सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है, तो जो सबसे कठिन प्रोग्रामिंग होती है वो होती है मशीन की। प्रश्न नंबर नौ, इनमें से कौन सा बटन टाइगल नहीं बटन नहीं है? इनमें से कौन सा बटन टाइगल, ठीक है, टाइगल कौन सा नहीं है? तो बोल्ड भी नहीं है, इटैलिक भी नहीं है, अंडरलाइन भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कौन सा ट्राइगल बटन नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, इटैलिक भी नहीं है, अंडरलाइन भी नहीं है। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा माइक्रो माइक्रो शेयरिंग सिस्टम के लिए, या माइक्रो माइक्रो शेयरिंग माइक्रो कंप्यूटर के प्रयोग हेतु, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं, डैश कंप्यूटर को
यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स का कैसे उपयोग किया जाए, ठीक है। डैश कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स का कैसे उपयोग किया जाए, तो वो कौन कहता है? ऑपरेटिंग। वो ऑपरेटिंग कहता है। अब ऑपरेटिंग आ गया, तो ऑपरेटिंग का भी आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ओएस का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओएस का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको बताना है TCP/IP का फुल फॉर्म, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये कमेंट मुझे ज़रूर मिलना चाहिए, SMTP का फुल फॉर्म, ठीक है। SMTP और ALU, इतने फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। प्लीज़ अटेंड कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है वो सीधे किससे संपर्क करता है? वो करता है हार्ड ड्राइव से, ठीक है। किससे संपर्क करता है? हार्ड ड्राइव से, ठीक है। USB, यूनिवर्सल सर्विस बोर्ड, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस बोर्ड। मॉडम, मॉडम का क्या फुल फॉर्म होता है? मॉडम, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस बता दें। इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? तो वो होता है मेगाबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में श्योर ये क्वेश्चन आना है। 1 मिलियन बाइट्स रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मेगाबाइट। अब इस मेगाबाइट वाले सीरीज में बता दूं, ठीक है, 8 बिट में 1 बाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1024 किलोबाइट्स में 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट में 1 GB होता है। 1 GB में 1024 MB होता है, ठीक है, और 1024 GB में 1 TB होता है, यानी कि 1 TB, और GB फॉर गीगाबाइट, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। डाटा स्टोर करना और गणना करने के लिए कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाटा स्टोर करना, गणना करने के लिए कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, तो वो होता है आपका बाइनरी। क्या होता है? उसको बाइनरी कहते हैं, ठीक है। बाइनरी का अर्थ मतलब होता है 0 एंड 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 15। कंप्यूटर द्वारा डैश को सूचना में प्रोसेस किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा डैश को सूचना में प्रोसेस किया जाता है, तो सूचना का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को किस में तो जो डाटा होता है कंप्यूटर में, डाटा द्वारा सूचना को, यानी कि इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस प्रोसेस किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, डाटा। अब डाटा और इसका क्वेश्चन आया है, तो आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इनपुट का डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, इनपुट का डेफिनेशन, ठीक है। और जितने इनपुट डिवाइस आपको याद हैं सारे इनपुट डिवाइस कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और इंग्लिश बोथ है, ठीक है।
तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसको आप बाय कर सकते हैं 35 रुपीज़ में, जिसके साथ आपको 10 PDF फ्री मिलेगा इंग्लिश में, और ये PDF बाईलिंगुअल मिलेगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। PDF की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जिसके साथ आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से जो MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर अवेलेबल नहीं होता है, इनमें से कौन सा है जो MS वर्ड के स्क्रीन के रूलर पर अवेलेबल नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा D, यानी कि सेंटर इंडेंट। क्या हो जाएगा? सेंटर इंडेंट, INDENT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कीजिए। जो वर्ड है उसमें पैराग्राफ के लिए जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लेफ्ट अलाइंड और फ्लैश मार्जिन, लेफ्ट एज एंड अनइवन एज एट द सर्फेस, यानी कि लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस F से क्या होता है? ये क्वेश्चन 27 नवंबर के पेपर में आया था। ठीक है, अब आप इस PDF की क्वालिटी समझ सकते हैं। इसी PDF से आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे, पूरे बेल्ट्रॉन के 100% क्वेश्चन इस PDF से फंसेंगे, 100%, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? MS ऑफिस में कंट्रोल प्लस F किस लिए होता है? तो वेरी इजी, सेव के लिए होता है। कंट्रोल प्लस S किस लिए होता है? सेव के लिए होता है। कंट्रोल प्लस W किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस W किसके लिए प्रयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस W होता है सेव एंड क्लोज्ड डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल W किस लिए होता है? सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। ठीक है, F12 कुंजी को क्या खोलती है, क्यों खोलती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलती है। किसको खोलती है F12? F12 खोलती है सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रोल प्लस I का प्रयोग क्यों होता है? कंट्रोल प्लस I का प्रयोग इटैलिक के लिए होता है। किस लिए होता है? इटैलिक, ITALIC। आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप लोग को लग भी रहा होगा कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्लास अच्छी रही लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस S डैश के लिए प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस S डैश के लिए प्रयोग होता है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा B, यानी कि सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम। कंट्रोल प्लस F होता है सेव डॉक्यूमेंट विथ सेम नेम। कंट्रोल प्लस J किस लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस J का सिंपल आंसर है J फॉर जस्टिफाई, यानी कि अलाइंग जस्टिफाई। ठीक है, कंट्रोल प्लस J होता है अलाइंग जस्टिफाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दस्तावेज का वो पोर्शन कौन सा है जिसमें आप सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग विकल्प को सेट करते हैं? दस्तावेज का वो पोर्शन जिसमें आप सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग विकल्प को सेट करते हैं उसको कहा जाता है सेक्शन। उसको क्या कहा जाता है? उसको सेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि आपको वर्ड को डबल अंडरलाइन करने की आवश्यकता है तो आप इनमें से क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। यदि आपको वर्ड को डबल अंडरलाइन करने की आवश्यकता है तो आप इसमें से क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा C, यानी कि सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट फॉन्ट टैब एंड ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज द डबल अंडरलाइन। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है? आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे जैसे आपने दूसरे टेक्स्ट में की है? आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे जैसे आपने दूसरे टेक्स्ट में की है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका C, सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक द फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू
टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जब आपको टेक्स्ट का कोई पोर्शन चुनना हो तो टेक्स्ट के प्रारंभ में क्लिक करें, फिर स्क्रॉल करके नीचे आकर टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें तथा डैश बटन को दबाए रखें, इससे बीच का संपूर्ण टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा बटन दबाते हैं, तो वो होता है शिफ्ट। क्या होता है? शिफ्ट। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, जब आपको टेक्स्ट का कोई पोर्शन चुनना हो तो टेक्स्ट के प्रारंभ में क्लिक करें, फिर स्क्रॉल करके नीचे आकर टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें तथा डैश बटन दबा के रखें, इसके बीच में संपूर्ण टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी, तो वो बटन होती है शिफ्ट बटन। क्वेश्चन नंबर 13, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए जो आपका शॉर्टकट की है वो होता है शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होता है? शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने के लिए कौन सी की को प्रेस करते हैं? एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने के लिए कौन से की को प्रेस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा एंटर की। किसका प्रयोग करते हैं? एंटर की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फील्ड के कोड को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? फील्ड के कोड्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अल्टर प्लस F9, अल्टर प्लस F9 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, माउस के प्रयोग बिना केवल कीबोर्ड का प्रयोग से टूल्स को रिबन पर से चुनने के लिए डैश कुंजी को प्रेस करके आप की टिप को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आंसर देना है, माउस का प्रयोग किए बिना केवल कीबोर्ड के प्रयोग से किसी टूल्स को रिबन पर से चुनने के लिए डैश कुंजी को प्रेस करके आप की टिप को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो कौन सा की है? उसे कहते हैं अल्टर की। क्या कहते हैं? अल्टर की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए कौन सी की होती है? तो शिफ्ट प्लस एंटर होती है। एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए कौन सी की होती है? शिफ्ट प्लस एंटर। एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए की कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फाइल, ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा स्विच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा स्विच। ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड वो होती है स्विच। क्वेश्चन नंबर 4, बिजनेस लेटर के आवश्यक घटकों की सूची में डैश होते हैं। जो बिजनेस लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर के आवश्यक घटकों की सूची में क्या क्या होते हैं? डाटा लाइन, इनसाइड एड्रेस बिल्कुल प्रेजेंट होता है, मैसेज बिल्कुल होता है, सिग्नेचर ब्लॉक ये भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वेब आथरिंग टूल रखता है जो आपके वेब पेज पर शामिल करने के लिए अनुमति देता है। वो कौन सा होता है? वो बुलेट्स होते हैं, हाइपरलिंक्स भी होते हैं और साउंड भी होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं तरफ क्या उपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं तरफ क्या उपस्थित होता है? तो ये होता है आपका व्यू बटन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर बी इज द करेक्ट, व्यू बटन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, एमएस वर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने का तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, ऑफिस बटन सेंड टू मेल रिसिप्ट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट।
एमएस वर्ड की स्क्रीन अल्टीमेट को सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीनू बार। क्या हो जाएगा? मीनू बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड 2007 में जूम डैश में होते हैं। वर्ड 2007 में जूम डैश में होते हैं, तो वो होते हैं व्यू टैब में और स्टेटस बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जूम किस में होते हैं? जूम होता है एक तो व्यू टैब में, दूसरा होता है स्टेटस बार में। क्वेश्चन नंबर 11, डैश एक छोटी हॉरिजेंटल लाइन है जो एक दस्तावेज के निष्कर्ण को दर्शाती है। ठीक है, डैश एक छोटी हॉरिजेंटल लाइन है जो एक दस्तावेज के निष्करण को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि एंड मार्क। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? छोटे वर्ग जिन्हें डैश कहा जाता है, किसी ग्राफिक्स के चारों ओर चयन आयत पर ग्राफिक्स के आयामों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है साइजिंग हैंडल्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उसे क्या कहा जाता है? साइजिंग हैंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करते हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करते हैं तो क्या होगा? तो इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन को एक्टिवेट कर देगा। यदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की है। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी। की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई के लिए प्रयोग होता है। की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई के लिए प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अप्लाइड इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट। अप्लाइड इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो हम लोग आ चुके हैं एमएस वर्ड भाग 30 में। ठीक है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ₹35 पेड करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये 550 पेज की किताब डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टेक गुरुजी ज्वाइन करके आपको 10 इंग्लिश में पैड पीडीएफ, जो कि बाकी चैनल्स पैड पे सेंड कर रहे हैं लेकिन हम इसको फ्री किए हैं, 10 फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कुंजी स्पेलर को एक्टिवेट करती है? निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की स्पेलर स्पेलर को एक्टिवेट करती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा F7। कौन सी की है? उस की को कहते हैं F7। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग होती है? अब देखिए, पूछ रहा है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की, तो बिल्कुल याद कर लीजिए F7। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की F7। ठीक है। नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की, नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, पक्का किसी न किसी शिफ्ट में आना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट के एग्जाम में आपको मिलेगा कि नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस एन। नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है डैश एक दस्तावेज को खोलने की शॉर्टकट की है। डैश एक दस्तावेज को खोलने की शॉर्टकट की है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ, CTRL प्लस ओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डैश एक दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की है। डैश एक दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की है, तो वो होता है कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, दस्तावेज को सेव करने की कुंजी का सही समूह है।
दस्तावेज को सेव करने की कुंजी का सही समूह है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, यदि आपके दस्तावेज को सेव करना है, दस्तावेज को क्या करना है, सेव करना है, तो उसके लिए कुंजी होता है कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। आदि को बंद करने की शॉर्टकट की है, आदि को बंद करने की शॉर्टकट की है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस F4। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर सी इज द करेक्ट, अल्टर प्लस F4। क्वेश्चन नंबर 8, एक दस्तावेज पर टेक्स्ट को खोजने के लिए कुंजी का सही समूह है। एक दस्तावेज को टेक्स्ट को खोजने के लिए यदि आपको सर्च करना है, तो उस सर्च करने के लिए, टेक्स्ट को सर्च करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F। F का मतलब होता है फाइंड, सर्च करना है, खोजना है, फाइंड करना है, तो उसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस F। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट क्या है? दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस H। दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो होती है कंट्रोल प्लस H। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाली कुंजी का समूह, किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाली कुंजी का समूह क्या कहता है? तो उसको कहते हैं कंट्रोल प्लस G, CTRL+G कहा जाता है। ठीक है, अब 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है? जिस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउज़र और डॉक्यूमेंट और ब्राउज़र पैनल प्रदर्शित होता है, जिस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउज़र और डॉक्यूमेंट और ब्राउज़र पैनल प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस होम, या फिर अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस होम, एक ही बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? डैश किसी एक्शन का अंडू करने का शॉर्टकट की है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये होता है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अंडू क्या होता है? कंट्रोल प्लस जे। जेड रीडू क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई। सेलेक्ट ऑल क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए। कॉपी के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, सभी क्लियर हो गए। अंडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड। रीडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई। सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए। कॉपी के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। सेव के लिए क्या होता है? सेव के लिए होता है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, ढूंढने के लिए क्या होता है? फाइंड करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है, तब आपका बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑप्टर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जा रहे हैं। डैश किसी एक्शन में रीडू की शॉर्टकट की है। तो अभी बताया था मैंने, रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई होती है। रीडू क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फंड को बदलने की शॉर्टकट की है। फंड को बदलने की शॉर्टकट की है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। तो फंड को बदलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फंड को बदलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फंड की साइज को बदल सकते हैं? किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फंड की साइज को बदल सकते हैं? तो उसको कहा जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की कुंजी स्पेलर को एक्टिवेट करती है? वो होती है F7। ठीक है, और स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी होती है? F7। नए दस्तावेज के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस एन। और एक दस्तावेज को खोलने का शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस ओ। एक दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस डब्लू। सेव करने की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एस। और आखिर को, आदि को बंद करने के लिए शॉर्टकट की? अल्टर प्लस F4। एक दस्तावेज टेक्स्ट को खोजने के लिए कुंजी का समूह कहलाता है कंट्रोल प्लस एफ, एफ फॉर फाइंड। ठीक है, दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एच।
किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाली कुंजी का समूह क्या कहलाता है? कंट्रोल प्लस जी। जिस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउज डॉक्यूमेंट ब्राउज पैनल प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस होम। डैश किसी एक्शन का अंडू का शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। और डैश किसी एक्शन के रीडू का शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वाई। फंड को बदलने की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। एंड किसी शॉर्टकट की के द्वारा हम फंड साइज को बदल सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल, तो ज़रूर क्लास अटेंड कीजिएगा, एमएस एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड परफेक्ट है, ईजी वर्ड है या एमएस वर्ड है? तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को प्रारंभ करती है? कौन सी फाइल एमएस वर्ड को प्रारंभ करती है? तो एमएस वर्ड को जो प्रारंभ करती है उसको कहते हैं विन वर्ड। क्या कहा जाता है? विन वर्ड डॉट ई एक्स सी। रिपीट कर देता हूँ, एमएस वर्ड को जो प्रारंभ करती है उसको कहते हैं विन वर्ड डॉट ई एक्स सी, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? तो जो पेज प्रीव्यू प्रीवियस पेज होता है वो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्रीव्यू पेज सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है? निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस का कौन मान्य संस्करण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑफिस विस्टा, ये मान्य संस्करण नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वें का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफॉल्ट रूप में हेडर और फूटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं? डिफॉल्ट रूप में हेडर और फूटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, डिफॉल्ट रूप में हेडर और फूटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, एवरी पेज। कहां पे होता है? एवरी पेज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहां होता है? एमएस वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहां होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो होता है टॉप पे, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रोल बार। जो एमएस वर्ड स्क्रीन होता है इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार होता है वो होता है टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रोल बार पर। कंट्रोल प्लस जी किस लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए, कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग क्यों होता है? तो कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग होता है ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग क्यों होता है? कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग क्यों होता है? तो कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग टैब, ओपन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग टैब। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग क्यों होता है? इन शॉर्टकट की में से आपको एक नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने कन्फर्म है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग क्यों होता है? तो कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग टैब, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी क्यों होता है? तो ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल प्लस पी क्यों होता है? कंट्रोल प्लस पी होता है ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग क्यों होता है? तो कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए, हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग। पोर्टलैंड और लैंडस्केप क्या है? इसको डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जो पोर्टलैंड है लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन होता है। पोर्टलैंड और लैंडस्केप क्या होता है? पोर्टलैंड लैंडस्केप का ये पेज ओरिएंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोर्टलैंड लैंडस्केप क्या है? ये पेज ओरिएंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, यह वेरीफाई करने के लिए एक पेज पर नोट टेक्स्ट की स्थिति सही है,
व्यू पर जाते ही प्रिंट प्रीव्यू में डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, तो उसको कहा जाता है प्रिंट लेआउट। उसको क्या कहा जाता है? प्रिंट लेआउट, उसको प्रिंट लेआउट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पेज ओरिएंटेशन के संदर्भ में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पेज ओरिएंटेशन के संदर्भ में सत्य है? तो ये होता है पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मात्र ₹35 पेड करके आप 550 पेज की पीडीएफ ले सकते हैं, जिसके साथ आपको 10 पीडीएफ फ्री मिलेगा। पीडीएफ बाय करने का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड एंड एमएस वर्ड, ठीक है, ये सभी हैं। कौन सी फाइल एमएस वर्ड को प्रारंभ करती है? तो विन वर्ड ईएक्सई प्रारंभ करती है। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? तो जो प्रीवियस पेज होता है वो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से एमएस वर्ड का मान्य संस्करण नहीं है? तो ऑफिस विस्टा मान्य संस्करण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेडर और फुटर किस पेज में पर प्रिंट होते हैं? तो सभी पेज पर प्रिंट होते हैं। जो एमएस वर्ड स्क्रीन होता है उसमें हॉरिजेंटल स्प्लिट बार कहाँ होता है? ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रोल बार। कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग किया क्यों किया जाता है? ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब। कंट्रोल प्लस एफ ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग टैब। कंट्रोल प्लस एच ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग टैब। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच एंड कंट्रोल प्लस पी ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस टी किसके लिए प्रयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट के लिए प्रयोग होता है। पोर्टलैंड और लैंडस्केप क्या होते हैं? ये दोनों पेज ओरिएंटेशन होते हैं। यह वेरीफाई करने के लिए कि नोट पेज पर नोट टेक्स्ट की स्थिति सही है, व्यू टैब पर दिखाया जाता है प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करते हैं, वो होता है प्रिंट लेआउट। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पेज ओरिएंटेशन के संदर्भ में सही है? पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, पेज ओरिएंटेशन को किसी भी समय हम बदल सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
अकॉर्डिंग इस सेट को प्रिपेयर किया गया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो शॉर्टकट की होता है वो किस लिए यूज होता है? तो वो यूज होता है सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की आपको बताना है। तो जो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये 27 और 30 तारीख के क्लास को कंपाइल करके प्रिपेयर किया गया है, उसी के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो कंट्रोल प्लस F4 इज द करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो फ्रंट डायलॉग बॉक्स। वो कौन सा शॉर्टकट की है जो शो करता है फ्रंट डायलॉग बॉक्स को? तो कंट्रोल प्लस डी बी भी शो करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ भी करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर पाँच पे आ जाते हैं, हाउ टू रिमूव ऑल कैरेक्टर फॉर्मेट्स। यदि सभी करेक्टर फॉर्मेट्स को रिमूव करना होगा तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या यूज करना पड़ेगा आपको? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बेल्ट्रॉन की सभी अपडेट्स एंड सभी वीडियोस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और वहां से आप हमारे टेलीग्राम में फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 20 to 25 फ्री पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू। अंडू का शॉर्टकट की बताना है। तो कंट्रोल प्लस जेड किस लिए होता है? अंडू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए होता है? कट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए, ठीक है। एंड कंट्रोल प्लस ए होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सात पे आ जाते हैं, विच की डू यू प्रेस टू फोर्स अ पेज ब्रेक। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर आप लोग कीजिएगा, टू इंक्रीज अ पैराग्राफ इंटेंट यूज द डैश शॉर्टकट की। यदि हमें एक पैराग्राफ को इंटेंट करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। शॉर्टकट की से आपके बेल्ट्रॉन के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना है, श्योर है। एब्रीवेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर कीजिएगा, टू मूव द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन सा की प्रेस करते हैं? उसके लिए प्रेस किया जाता है कंट्रोल प्लस एंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था, यदि सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए क्लिक करते हैं, कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, टू अंडू द लास्ट वर्क। अगर अंडू करना है लास्ट वर्क को तो कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द स्क्रोल बॉक्स ऑन द वर्टिकल स्क्रोल बॉक्स इंडिकेट। जो स्क्रोल बॉक्स होता है वर्टिकल स्क्रोल बार में, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है करंट रिलेटिव लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट पोर्शन डिस्प्लेड इन द विंडो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जो हेडर एंड फूटर आर इंक्लूडेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एज वेल एज द, जो हेडर एंड फूटर होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स में, एज वेल एज करेंट डेट, पेज नंबर एंड करेंट टाइम, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड ऑन और हिडन फ्रॉम। जो टेक्स्ट बाउंड्री होती हैं उसको डिस्प्ले और हिडन कहाँ से किया जा सकता है? तो ऑप्शन फ्रॉम टूल बार मीनू। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, डैश आर द टाइप ऑफ चेंजेस दैट ऑकर व्हेन द टेक्स्ट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी इंसर्टेड लेटर। तो वो होता है आपका कट, CUT, ठीक है। कॉपी पेस्ट आ गया है तो इसका शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कॉपी होता है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट होता है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, और कट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे,
विच वुड यू चूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट, विच वुड यू चूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो होगा कट एंड पेस्ट। यदि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम कैसे ले जाएंगे, तो उसको हम एक बार कट करेंगे, फिर जहाँ हमको ले जाना है वहाँ ले जाके हम पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए यूज किया जाता है, कट द सेलेक्टेड कंटेंट। यदि सेलेक्टेड कंटेंट को मुझे कट करना है, सेलेक्टेड कंटेंट को यदि कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दें। देखिए बेल्ट्रॉन का जो आपका एग्जाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें एमएस ऑफिस से अप्रॉक्सीमेटली 90% आपका आ रहा है सिलेबस। ठीक है, इस 90% क्वेश्चन में भी आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं एमएस पावर पॉइंट से, एमएस वर्ड से, और उसके बाद आता है एमएस एक्सेल। ठीक है, तो आपको फोकस किसी केवल इन्हीं तीन चीज़ पे करना है, और इन्हीं तीन चीज़ के लिए हमने अपना कोर्स लॉन्च किया है टॉप 2000 प्लस क्वेश्चन का, जो कि मात्र 35 रुपये में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और इसके साथ आपको 10 PDF फ्री भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो या तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरीज है तो आपकी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, विच इज नॉट अ डाटा सोर्स कंपोनेंट, इनमें से कौन सा डाटा सोर्स का कंपोनेंट नहीं है, तो मेल मर्जर जो टूल बार होता है वो डाटा सोर्स का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, वर्ड के अंदर जो मेलिंग लिस्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसको डाटा सोर्स कहते हैं। मेल के अंदर जो मेलिंग लिस्ट होती है उसको डाटा सोर्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ऑन द हॉरिजेंटल रूलर, ऑन द हॉरिजेंटल रूलर एंड अपसाइड, ऑन द हॉरिजेंटल रूलर एंड अपसाइड डाउन, टी क्या इंडिकेट करता है, टी इंडिकेट करता है सेंटर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, टू इरेज अ करेक्टर, टू इरेज अ करेक्टर टू द राइट, टू इरेज अ करेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट प्रेस, तो हमें प्लेस करना पड़ता है डिलीट बटन को, क्या प्रेस करते हैं डिलीट बटन को। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फ्रंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फ्रंट डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस वाई किस लिए होता है, कंट्रोल प्लस वाई होता है रिपीट द लास्ट एक्शन, कंट्रोल प्लस वाई किस लिए होता है रिपीट द लास्ट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 124, कंट्रोल प्लस डिलीट इज यूज टू, कंट्रोल प्लस डिलीट इज यूज टू डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्सर, कंट्रोल प्लस डिलीट इज यूज टू डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर कर्सर। क्वेश्चन नंबर 125 पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्केप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस बैक स्केप का इस्तेमाल किया जाता है डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर, कंट्रोल प्लस बैक स्केप का इस्तेमाल किया जाता है डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर। क्वेश्चन नंबर 126, ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट आर द, जो ऑटो टेक्स्ट है ऑटो करेक्ट है ये एडिटिंग सॉफ्ट एडिटिंग टूल्स हैं, कैसे टूल्स हैं, एडिटिंग टूल्स हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको केवल देखना है और आवाज़ को सुनना है, क्योंकि इसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इन नॉर्मल व्यू ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स, नॉर्मल व्यू में जो ऑटोमेटिक पेज है वो क्या ब्रेक करते हैं, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एज अ सिंगल डॉटेड हॉरिजेंटल लाइन, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एज सिंगल डॉटेड हॉरिजेंटल लाइन। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड फाइल, तो जो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc, वर्ड फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है .doc। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे, टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाते हैं, टू ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स क्विकली डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन द एरिया एंड रूलर, डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया एंड रूलर। क्वेश्चन नंबर 131, टू कैंसिल अ जॉब दैट इज प्रिंटिंग, टू कैंसिल अ जॉब दैट इज प्रिंटिंग और वन दैट इज वेटिंग टू द प्रिंटेड, क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन द टास्क बार, क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन द टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यू टू मेक मल्टीपल चेंज इन द डॉक्यूमेंट एट वंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स टू मेक द मल्टीपल चेंज इन द डॉक्यूमेंट वंस, तो वो होते हैं रिप्लेस कमांड, क्या होता है रिप्लेस कमांड। क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर
क्विक कॉपी ऑपरेशन, तो बेस्ट क्विक कॉपी ऑपरेशन होता है ऑटो टेक्स्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, तो कौन सा मूव कराता है, वो पेस्ट ऑप्शन होता है। पेस्ट का शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल प्लस वी, कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, सेलेक्ट ऑल के लिए होता है कंट्रोल प्लस ए। जी हाँ, आप सभी लोग सही हैं। क्वेश्चन नंबर 135, टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड, टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड ड्रैग द माउस, ड्रैग द माउस पॉइंटर, ड्रैग द माउस पॉइंटर थ्रू द कैरेक्टर टू बी सेलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 136 पे जाते हैं, द की F12 ओपन्स, तो की F12 क्या ओपन करता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। F12 तो बिल्कुल रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए होता है, खोलता है मतलब, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कंट्रोल प्लस एस किस लिए होता है, सेव करने के लिए होता है, कौन सा, सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम, कंट्रोल प्लस एस किस लिए होता है, सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, इफ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर, यू वॉन्ट टू मूव श्योर एंड सेलेक्टेड डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब, इनेबल ट्रू टाइप फॉन्ट, इनेबल ट्रू टाइप फॉन्ट, एम्बेडेड ट्रू टाइप फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 140, कंट्रोल प्लस जे किस लिए यूज होता है, अलाइंग जस्टिफाई, अलाइंग जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे इज यूज फॉर अलाइंग जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो वो होता है सेक्शन में, कहाँ पे, सेक्शन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, इफ़ यू नीड टू डबल अंडरलाइन वर्ड, ये क्वेश्चन आपका 30 तारीख के एग्जाम में आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ यू नीड टू डबल अंडरलाइन अ वर्ड, हाउ विल यू डू दैट, तो आप करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन चूज फॉर्मेट फॉन्ट एंड फॉन्ट टैब, ओपन अंडरलाइन, सेलेक्ट डबल अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 143, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, तो इसके लिए किया जाता है सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 144 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेल मर्जर हेल्पर स्टेप, इनमें से कौन सा मेल मर्जर हेल्पर स्टेप नहीं है, तो वो है सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द सेलेक्शन, स्क्रॉल टू द एंड ऑफ द सेलेक्शन, पोजिशन द माउस पॉइंटर एट द एंड ऑफ द सेलेक्शन, होल्ड डाउन डैश की एंड क्लिक, तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा शिफ्ट, क्या क्लिक करते हैं, शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए जो शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 147, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, विच की शुड यू बी प्रेस टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ के लिए एंटर की करते हैं, भाई एंटर मारोगे तो नीचे आ जाएगा ना, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। What is the shortcut key to display the field code? अगर shortcut की field code को display करना है तो Alt plus F9, ठीक है। Question number 149, to use the keyboard, to use your keyboard instead of mouse, to select the tool on the ribbon, you display the key tip by passing Alt key. किस किस से होता है? Alt key से होता है, ठीक है। Question number 150, प्रेसिंग डैश टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक, किसको प्रेस करके लाइन ब्रेक करेंगे, विथ विच एडवांस द इंसर्टिंग पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन, तो उसके लिए करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अ वर्ड फील्ड मे कंसिस्ट ऑफ ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्विच। क्वेश्चन नंबर 152, इसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट इन क्या इंक्लूड करता है, जो इसेंशियल बिजनेस फीचर होता है उसमें डाटा लाइंस एंड इनसाइड एड्रेस होते हैं, मैसेज होते हैं, सिग्नेचर ब्लॉक्स होते हैं, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। ऑटो करेक्ट उसके लिए टैब यूज होता है, कौन सा टैब यूज होता है? ऑटो करेक्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 154 पे आ जाते हैं, यानी कि इस वीडियो का 54वां प्रश्न, इट इज पॉसिबल टू डैश अ डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज। तो उसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉट हैज वेब अथॉरिंग टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट डैश ऑन द वेब पेज। तो वो होता है बुलेट, हाइपरलिंक एंड साउंड, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है? देखिए, ये जो जितने टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये आपके एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चन हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। और आप जो एग्ज़ाम दे के आए होंगे 27 और 30 का, उनको लग भी रहा होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। व्हेन टाइप इन प्रीति फॉन्ट ऑल द उर्का स्टोन्स टू समथिंग एल्स, व्हाट इज द कॉज। ये होता है ऑटो करेक्ट की वजह से, किस लिए होता है? ऑटो करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर, वो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, किस लिए होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 158, व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रोल बार, तो वो होता है व्यू बटन। व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रोल बार, व्यू बटन। क्वेश्चन नंबर 159, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर द डैश बटन, हेडर एंड फूटर टूल बार। कहाँ से आते हैं? हेडर एंड फूटर टूल बार। लास्ट क्वेश्चन है 160 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन, तो मार्जिन चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम।